चैन दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइस। मैं सुबह पुआ ढूंढते ढूंढते आया गाइस, यहाँ किसी पूरे एरिया में पुआ नहीं था। मैं ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर आया हूँ पुआ ढूंढते हुए। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। लो गाइस, पोहा और जलेबी आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। चलो गाइस, सुबह सुबह शॉपिंग भी हो गई, तो चाय भी पी ली, पोहा भी खा लिया, जलेबी भी खा ली, समोसा भी खा लिया, और उसके बाद में ये 5 तरह की कोल्ड ड्रिंक भी ले ली। अब चलते हैं घर। वैसे मेरा भाजी बड़ा खाने का भी मन कर रहा है, लेकिन नहीं खा रहा। कंट्रोल। चलो गाइस, वापस घर में आ चुके हैं, और अब धीमे धीमे बैटरी डाउन हो रही है मेरी, बिकॉज पूरी रात तो मैं सोया नहीं हूँ, शेड्यूल ख़राब है मेरा। अबे साले, तो बस पूरी रात का मैंने सही यूज़ किया कि मैंने एडिटिंग करी है रात भर बैठ के, तो अब बैटरी जो है वो मेरी धीमे धीमे डाउन होती जा रही है, आंखें भारी होती जा रही हैं। तो अच्छा है अगर अच्छी नींद लग जाए 5-6 घंटे की, तो सही हो जाएगा काम। मेरे पास कोई और रास्ता है। तो चलो गाइस, कोल्ड ड्रिंक मैंने जमा के रख दी 5 फ्लेवर। हाँ गाइस, मैं तो भूल ही गया था कि मैं इंग्लिश में बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करता हूँ, तो चलो आई विल ट्राई। तो गाइस, फाइनली 4 बज रहा है, तो फाइनली 5-6 घंटे की नींद मेरी हो गई कंप्लीट, और मुझे जाना है बिजली ऑफिस। लेकिन फिर भाई पता नहीं चाबी मैंने कहाँ रख दी। यार आदमी कितनी बार गलती करेगा, समझ ही नहीं आता। तो मिल गई, इसी तरह देने की है, बार बार गलती करो, बार बार सुधारो। कुछ लोग कहते हैं कि एक गलती दोबारा से नहीं करनी चाहिए। मैं तो गलतियों का सरताज हूँ, एक गलती दोबारा नहीं, कितनी बार करते हैं। सही पकड़े हैं। इसीलिए हमेशा सर पे एक डंडा मारने वाला हमेशा चाहिए, भले ही आप कुछ भी हो। अरे देवा, धूप बहुत ज्यादा है, मास्क पहनना पड़ेगा। चलो गाइस, बिजली ऑफिस पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी सर्वर डाउन है, तो जब तक सर्वर डाउन है जब तक ठंडी हवा का मजा लेते हैं यहाँ पे नेचर का। वाह क्या सीन है। ऐसा लग रहा है उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं। अरे बस कर भाई, और पागल करके पीछा जा। चलो गाइस, काम तो हो गया मेरा बिजली ऑफिस का, लेकिन ये ग्राउंड मेरे को मिल गया है, बहुत ही शानदार। तो क्या नाचो मैं? ये देखो सुंदर आसमान। Oh my God! Wow! और ये शाम का सूरज। Wow! Beautiful! गाइस अब खाना खा लेते हैं, शाम का 6 बज रहा है। बहुत ही सड़ियल चाय, बहुत ही ज़्यादा इतनी गंदी चाय है कि ना, कि चाय पीने की इच्छा ही खत्म हो गई। कैसी लगी? आगे स्वाद। गाइस, ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़ इसलिए है बिकॉज मैं आज आपको बताने वाला हूँ कुछ समथिंग वेरी स्पेशल, समथिंग विच इज अनएक्सपेक्टेड, लाइक जस्ट बियॉन्ड द इमेजिनेशन। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। गाइस होता क्या है कि जब हम लोग खुद की बनाई हुई कुछ आइडियोलॉजी, खुद की बनाई हुई कुछ ट्रिक्स, खुद की बनाई हुई कुछ चीज़ों पे वर्क करते हैं, और उस पर जब हमें रिजल्ट मिलता है ना, तो फिर जो खुशी होती है वो एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाती है। नहीं मानता। तो गाइस बात ये है कि मेरी चाबी गुम गई थी, ओके, और
कल सेम इसी ग्राउंड में मेरी चाबी गुम गई थी, ऑलराइट, वो जो एमपीवी का ऑफिस है वहाँ पे। तो फिर मैं जब मैं यहाँ पे दोबारा आया पूछने, जब तक स्टाफ जा चुका था एंड समथिंग, फिर मैंने डुप्लीकेट चाबी भी बनवा ली एंड ऑल दैट, ओके। लेकिन फिर अगेन मेरे सिक्स सेंस ने बोला, लाइक सिक्स सेंस नहीं, कुछ लॉजिक्स थे, तो उन लॉजिक्स ने बोला कि लाइक चाबी मैंने जेब में रखी थी और इसको दो जगह रखता हूँ, एक या तो जेब में और या तो मेरी स्कूटी की डिक्की में। जब स्कूटी की डिक्की में नहीं थी तो देट मीन्स कि वो जेब में थी, ओके। और जेब में कब निकल सकती है, जब मैं जेब से पैसे निकाल रहा था। और एक ऐसा कैलकुलेटिव मैंने मोमेंट का कैलकुलेशन किया कि लाइक जेब से पैसे कब गिरे होंगे, जब मैंने ज़्यादा पैसे निकाले थे तब। तो मोस्ट प्रोबेबली ये था कि जो चाबी थी वो यहीं पे गिरी होगी, ऑलराइट, एमपीवी के ऑफिस में जहाँ मैं बिल भरने आया था। तो ऐसा मैंने एक कैलकुलेटिव, एक इमेजिनरी, एक जो इंसिडेंट का मैंने मैप बनाया या ब्लूप्रिंट बनाया अपने माइंड में। अरे कहना क्या चाहते हो? और फिर मैं कल जब मैं आया था, जब तक स्टाफ यहाँ का जा चुका था, तो फिर भी मैंने और भी जगह ढूंढा लेकिन मुझे कहीं भी नहीं मिली चाबी। लेकिन जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो सीन लग रहा था इस पूरे इंसिडेंट में, वो यही था कि जेब से पैसे निकालते टाइम बिजली ऑफिस में ही चाबी गिरी होगी। स्टार्ट करो। तो कल तो मैंने चाबी बनवा ली और फिर आज फिर जब 24 घंटे हो गए तो मैंने एक फिर दोबारा से चांस लिया। मैंने कहा कि यार चाबी बन गई है तो थक के मत बैठो, जो चाबी है उसको ढूंढो। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। तो मैं इस साइड दोबारा से आया और मैं रास्ते भर देखते हुए आ रहा था कि यार कहीं चाबी रोड पे तो नहीं गिरी। लेकिन फिर से वही कि माइंड ने बोला कि नहीं यार, रोड तो एकदम प्लेन है, तो वहाँ पे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा कि लाइक कि कोई जंप ऐसा लगा हो कि चाबी हमारी जेब से निकल के गिर जाए। बिकॉज काफ़ी टाइम से मैं जेब में रख रहा था और ऐसा कभी नहीं हुआ कि जेब से गिरी हो। तो दोबारा से बिजली ऑफिस आया, फिर यहाँ पे मैंने सोचा था यहाँ के आते टाइम कि मैं यहाँ पे लोगों से जाके पूछूंगा कि आपको चाबी तो नहीं मिली। तो जहाँ पे मैंने पैसे निकाले थे वो जिस काउंटर पे वो मैम बैठी हुई थी, तो वो मैम का ऑफिस अवर ख़त्म हो गए थे, वो निकल के जा रही थी। तो तभी एग्जैक्टली एक बार वो निकल गई तो एक वो आगे चली गई, और मैंने हेजिटेशन में मैंने कहा कि नहीं यार रहने दो, ऐसा कुछ नहीं होगा, इनको क्या मालूम, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर जनता माफ़ नहीं करेगी, किसी ने पीछे से वो मैम को आवाज़ दी कुछ बात करने के लिए। और तभी मेरे दिमाग में आया कि जो मैं अपने हमेशा बोलता रहता हूँ कि डोंट हेजिटेट, मैंने कहा कि चलो मैम से ही पूछ लेता हूँ। तो मैंने मैम से पूछा कि मैम आपको कोई चाबी तो नहीं मिली, जबकि वो तो काउंटर के अंदर थी। तो मैम ने बोला कि क्या वो कोई लंबी सी चाबी, मैंने कहा हाँ एग्जैक्टली लंबी सी चाबी। तो मैम ने बोला कि चले जाओ अंदर रखी हुई है। असंभव, असंभव। तो गाइस जब हमारी कोई जो भी माइंड के हमारी जो भी आइडियोलॉजी होती है, हमारी जो माइंड के स्टैटिस्टिक्स होते हैं, जो तो या जो भी हम सोचते हैं, जब उस पर हमें रिजल्ट मिलता है ना, तो एकदम नेक्स्ट लेवल था। तो मैंने खुद की बनाई हुई जो चीज़ें थी कि डोंट हेजिटेट और ट्राई करते रहो, दोबारा से जाके देखो, मोस्ट एक्सपेक्टेड जगह पे जाके देखो कि शायद वहीं गिर गई होगी तो किसी ने उठा के दे दी होगी, और एग्जैक्टली वही हुआ। शाबाश मेरे चीते, शाबाश। इस चाबी मिल गई है और मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जो भी आप सोचते हो, जो भी आप बिलीव करते हो, वो सब कुछ पॉसिबल है, बस आप कितनी देर अपनी उन चीजों पे चल रहे हो। हो सकता है कि समटाइम्स आपको रिजल्ट नहीं मिले, लेकिन हो सकता है कि समटाइम्स आपको रिजल्ट, लेकिन कभी ना कभी तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही। जब भी वो रिजल्ट मिलेगा ना तो एकदम अनएक्सपेक्टेड होगा। तो बस अपना जो भी गोल है वो सेट करो और बढ़ जाओ। शक्तिमान, बुद्धिमान। चलो गाइस घर चलते हैं। अब घर पर चल के थोड़े से काम है वो कंप्लीट करेंगे और थोड़ा छत पर भी घूमना है। तो चलो तालियां। तो गाइस चाबी मिलने की खुशी जो है वो तो एकदम नेक्स्ट लेवल है। और इस चीज़ से ये बात भी प्रूफ हो गई कि हमारी जो भी कंडीशन है, नेगेटिव कंडीशन, उसको हम एज ए पॉजिटिव वे में कैसे ले रहे हैं। अरे यार कैसा लगा मेरा मजाक।